तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से, और तुम्हें नहीं होगा फिर से। चुरा लूंगी मेरे म्यूजिक में। हर शायरा को शादी कर लेनी चाहिए। क्या जैकी भगनान ये बना पाएंगे अपने पापा जैसी फिल्म? क्या कृति और विक्की ये निभा पाएंगे आर माधवन और दिया मिर्जा जैसा रोल? क्या फिल्म में होंगे दो हीरोज? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। रहना है तेरे दिल में 2001 में आई एक ऐसी लव स्टोरी है जिसे आज तक और कोई भी लव स्टोरी मैच नहीं कर पाई है, और साथ ही आर माधवन और दिया मिर्जा की मैजिकल केमिस्ट्री भी और कोई नहीं क्रिएट कर पाया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गौतम मेनन और इसे प्रोड्यूस किया था वासु भगनानी ने, और अब लगभग 20 साल बाद इस कल्ट क्लासिक रोमांटिक फिल्म को जैकी भगनानी डायरेक्ट करने वाले हैं, जो इससे पहले भी कई फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं। पर इस बार ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कैसे वो अपने पापा वासु भगनानी की तरह फिल्म डायरेक्ट कर पाते हैं। इस बार उन्हें ये फिल्म एक नए और मॉडर्न टच के साथ बनानी होगी जो आज की जनरेशन का दिल जीत सके। साथ ही अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो आर माधवन और दिया मिर्जा का मैडी और रीना का आइकॉनिक रोल प्ले करने वाले हैं कृति सेनन और विकी कौशल, और इन दोनों पर ही सिल्वर स्क्रीन पर फिर एक बार वही मैजिक क्रिएट करने की बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें मैडी और दिया जैसा किरदार प्ले करना ही होगा। ये फिल्म दिया मिर्जा की डेब्यू फिल्म थी और आर माधवन की भी पहली बॉलीवुड फिल्म थी, और दोनों ने ही अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया था। दिया एक एक्ट्रेस के साथ साथ फॉर्मल मॉडल भी हैं, और अब वो एक सोशल वर्कर और प्रोड्यूसर हैं, और बॉलीवुड की एक ऐसी दीवा हैं जो अपनी खूबसूरती और अदाओं के लिए जानी जाती हैं, और आर माधवन तो हैं ही एक वर्सेटाइल एक्टर। वैसे इस मामले में फिल्म मेकर्स ने कास्ट काफी अच्छी सिलेक्ट की है। कृति सेनन भी अपनी ब्यूटी और एक्टिंग दोनों के लिए जानी जाती हैं, और फैंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। वहीं विकी एक बहुत ही सेल्फ मेड एक्टर हैं और उन्हें ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करती है, तो इस फ्रेश जोड़ी को देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। इस फिल्म में हमें विकी के साथ एक और एक्टर भी दिखाए जा सकते हैं, जैसे ओरिजिनल फिल्म में सैफ अली खान को दिखाया गया था जिनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था, और इसी तरीके से उन्होंने विलन का काम भी किया था। वैसे ही इस बार एक और एक्टर की एंट्री हो सकती है, मतलब हमें इस फिल्म में दो दो हीरोज देखने को मिल जाएंगे। इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार फिल्म में लव ट्रायंगल का कोई एंगल दिखाया जाए, और इस किरदार के लिए राजकुमार राव या फिर आयुष्मान खुराना जैसे वर्सेटाइल एक्टर्स ऑडियंस के फेवरेट बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। वो इस फिल्म को अपने किरदार से जस्टिस भी कर पाएंगे। आपको कौन से ट्राय को इस फिल्म में देखना पसंद है हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।